सो गाइज आप सभी का स्वागत है आज की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइज ये अपनी सर्वाइवल सीरीज का पार्ट जो भी हो पार्ट को रहने देते हैं। सो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम किडनैप करने वाले विलेजरों को उन्हीं के घर में से। सो गाइज आप लोग को याद होगा मैंने फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड में विलेजर्स को उन्हीं के घर पर ट्रैप कर दिया था और वो मैंने सिर्फ दो विलेजर्स को इंट्रैप किया था और हमें चाहिए सिर्फ दो विलेजर्स ही क्योंकि उनकी करेंगे हम ब्रीडिंग एंड भाई बदले में काफी सारे विलेजर्स मस्त प्लान है। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम यही करने वाले हैं। सो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। एंड भाई किस्मत देख रहे हो भाई, वीडियो स्टार्ट करते ही भाई यहाँ पे दो दो शीप मिल गई, मेरे को शीयर्स बनाने दो भाई। ओके अपने पास यहाँ पे शीयर्स है। एंड गाइस ये देख रहे हो मैंने स्टोरेज यहाँ पे थोड़ा सॉर्ट आउट किया है क्योंकि भाई ऑब्वियसली यार मैं काफ़ी दिनों से नहीं खेल रहा था, वीडियो नहीं आ रही थी, खेल तो कभी कभी रहा नहीं था, मेरा थोड़ा बहुत मैं काम कर ले रहा था। से उस समय मैंने स्टोरेज सॉर्ट आउट किया भाई, एक दिया इसने, क्या शीप है भाई ये, तू दे दे भाई। इसने भी एक दिया, ये आ गई अपनी तलवार, नाइस। किधर है गाय, तेरे लेदर का मेरे को काम है क्योंकि अपने को बनाना है लेक्टर्न, वे मर जा, नाइस। एंड गाइस ये देखो मैंने पहले दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था जो कि था अपना गन पाउडर फार्म, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कॉबलस्टोन जनरेटर बनाया एंड यहाँ पे मैंने सारे सामान भी इकट्ठा कर लिए थे ये देखो। एंड भाई ये पेड़ तो आपको पता ही है, देखो गाइस पिछले एपिसोड में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये पेड़ टूटे हुए थे, मतलब आधे अधूरे थे। अरे कहना क्या चाहते हो। एंड मैंने इसे दोबारा उगाया, काटा एंड उससे मेरे को मिली लकड़ियाँ। बाय द वे गाइस अपनी शुगर केन भी अच्छी खासी तरीके से ग्रो हो चुकी है। सोया ये रहे एक अंकल भाई, मैं इन्हें लेके आ सकता हूँ। अपना भाई ये दे दे मेरे को, प्लैंक दे दे फटाफट से दे दे भाई, यहीं पे बोट बनाऊंगा, एक को भाई पकड़ के लेके जाऊंगा। ये आ गई अपनी बोट, नाइस। चलो अभी ने ये रहे अंकल बैठ गए हैं, अभी ने यहाँ से लेके चलते हैं। कोई नहीं अंकल आपको भी आऊंगा मैं लेने, अभी ले लेता हूँ ना। ओ तेरी, आ जाओ जाओ अंकल बैठो। ओके इन अंकल को मेरे को पीछे जाके धक्का देना पड़ेगा। अंकल बैठ जाओ बैठ जाओ, मेरे पास लीश है, यस नाइस, मेरे पास लीश है, मैं लीश लेके आया, लीश से इनको खींच के लेके जाऊंगा भाई मैं। गाइस लीश मिल गई फाइनली भाई, मिल गई भाई लीश, वही तो मैंने सोचा है भाई, मेरे पास दो लीश थी, मैंने किया क्या। चलो अंकल बेडरॉक में ये चीज सही है, इन्हें मैं लीश से खींच के लेके जा सकता हूँ। अब यहाँ से इन्हें मेरे को ऊपर चढ़ाना होगा जिसके लिए इसे हमें करना पड़ेगा नॉर्मल लैंड में कन्वर्ट। ऊपर आ जा, ओ भाई आ गए। अब इन्हें मैं लेके जाता हूँ थोड़ा सा और आगे की ओर एंड इन्हें मैं बंद करूँगा फेंस गेट में एंड करूँगा इनकी मैं ब्रीडिंग। ओके नाइस डन। सो इतने बड़े एरिया में गाइस हम इन्हें ब्रीड करेंगे और एक एक करके हम उन्हें अंदर विलेजर हॉल में घसकाते चले जाएंगे। एंड मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी एक कारपेट चाहिए जिसे कि हम रखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, तीन बन गई है तो तीनों को रख देते हैं, क्या दिक्कत है, नाइस। अब हम इससे ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं एंड इनकी बोट अब मेरे को पड़ेगी तोड़नी। ओके गाइस तो ये रहा एक घर का बेड, ये तोड़ दिया मैंने, एक का वर्क स्टेशन भी आई थिंक सो कि मेरे को तोड़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे गाइस मैंने एक और विलेजर को पकड़ लिया एंड इसे मैं लेके जाऊँगा भाई सुबह में क्योंकि अभी हो चुकी है रात एंड फटाफट से सो जाते हैं। The next morning. Okay, so guys, मैंने यहाँ पे एक और विलेजर को किडनैप तो कर लिया लेकिन मैं यहाँ पे आया था कॉम्पोस्टर्स तोड़ने एंड आई थिंक सो कि मैंने यहाँ के सारे जिस खेत के आसपास गाइस वो काम कर रहा था ना, मैंने उस खेत के आसपास के सारे कॉम्पोस्टर्स तो तोड़ दिए, अभी देखते हैं भाई किधर लिंक होते हैं। ओह मेरे पास एक आइडिया, मैं इनकी बेल भी लेके जाता हूँ। चलो नाइस, चलो अंकल ये देखो गाइज मैं निकल गया हूँ, अब अगर मैं उतरूँगा तो नहीं बच गए, आई थिंक से कुछ ग्लिच था। चलो अंकल भागना मत भाई, भाग गया ये भाग गया। ओ अच्छा भाई ये अपने ही खेत से भाई लिंक हुआ है क्या। ओके पता नहीं ये दो फार्मर कहाँ से बन रहे, मेरे को वापस से विलेज जाके सारी चीज़ें तोड़ के इनकी ब्रीडिंग करवा के गाइज मैं आपसे मिलता हूँ।
सो गाइस यहाँ पे मैंने सभी वर्क बेंचेस तो तोड़ दिए, लेकिन भाई ये निकम्मा विलेजर लिंक हो गया है अपने स्मोकर के साथ। सो यार मैं अपना एक विलेजर के लिए भाई मैं अपना एक्सपी फार्म तो भाई मैं गंवाना नहीं चाहता। तो भाई तू इधर आ, ये सो भी गया। अरे भाई तेरे को भाई मैं सोने नहीं दूंगा भाई, दो बार खा जा, मार खा जा भाई थोड़ी देर के लिए। उनके पास मत जा भाई, उनको मैं नहीं मारना चाहता। नाइस, अब हम भी सो जाते हैं। ओके ये लिंक हो रहा है बेड के साथ। माइनक्राफ्ट का अगला दिन एंड अब बारी है आलू देने की। तो हम लेंगे अपनी फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स, एंड मैंने आप लोगों से नेदर जाने का बोला था ना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ओके इस पार्ट में मैं ट्राई करता हूँ नेदर, थोड़ा सा कम से कम स्पॉन देख के आ जाएंगे। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। नाइस, क्योंकि गाइस वो वाली जो वीडियो थी ना, लगभग भाई मैं 5 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा था। ये ट्राइडेंट वाला नहीं, निकल यहाँ से। गाइज अपने देखो, अपना जो मेन मोटिव है ना, वो मैंने एक पेपर पे लिख के रखा था कि मेरे कौन कौन सी बुक चाहिए, और मैंने वो पेपर पाड़ के फेंक दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ओके नाइस, अब इनको तोड़ते हैं फॉर्च्यून 3 से, जिससे अपने को मिलेगा 1 का डबल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गाइस फॉर्च्यून 3 से देख रहे हो भाई, कितना सारा पोटैटो मिला अपने को। नाइस, अपने फटाफट से प्लांट भी कर देते हैं। गाइस देखते ही देखते भाई हमारे पास 2 विलेजर्स आ गए, और यहाँ पे मेरे को और भी बेड्स लगाने पड़ेंगे ताकि विलेजर्स आए। सो गाइस मेरे को भाई इसमें लगभग आधा घंटा तो लगने ही वाला है, तो मैं आपसे मिलता हूँ भाई आधे घंटे बाद एग्जैक्ट। गाइस पीछे के पूरे शुगर केन की कटाई करने के बाद अब मेरे को यहाँ पे बनानी है लेक्टन्स। भाई ये W दबाते दबाते भाई क्यों कब दब जाता ना, किसी को पता भी नहीं चलता। सो ओके मैं यहाँ पे फटाफट से बुक्स वगैरह सारी चीज़ें बना के विलेजर्स जब मैं ट्रांसपोर्ट करने वाला हूँगा तब मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने कर दी गाइस यहाँ पे एक बेवकूफी, मैंने यहाँ पे बना दिया एम्प्टी मैप। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरे को कुछ नहीं कहना, अभी वापस है भाई, मेरे को काफी देर वेट करना पड़ेगा शुगर क्रेन के ग्रो होने का। सो गाइस फाइनली इट्स टाइम टू इनको लेके जाने का यहाँ से। सो उसके लिए अपने पास प्लैंक्स या फिर कुछ है क्या भाई इन्हें कवर करने के लिए, इससे प्लैंक्स बना लेते सबसे पहले। तो एक विलेजर को ये देखो गाइस इधर कोने पे हैं। आ जाओ अंकल इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर चलो अंकल। यस नाइस, अब मेरे को गाइस फटाफट से यहाँ पे 2 ब्लॉक्स कुछ ऐसे लगाने हैं, एंड यहाँ पे भी 1 2 ऐसे। ओके अब फिर मेरे को ये वाला बेड तोड़ना है, एंड यहाँ पे कुछ ऐसे से लगा देना है, एंड नाइस ये वाला विलेजर हो गया यहाँ पे ऐसे कैप्चर। एंड अब हमें इस बेड को यहाँ पे मैं वापस से 1 2 ब्लॉक्स डिग करके मैं नीचे बेड लगा देता हूँ ताकि ये भाग ना पाए यहाँ से। ओके नाइस, अब यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, मैंने कार्ड्स तो बनाई नहीं। हट जा, ये आ गया इधर, अंदर से जाके इसे तोड़ना पड़ेगा। हट जा अंकल, अरे भाई लग गई अंकल को। बस एक ही तरीका है इसे तोड़ देने का, एंड यहाँ पे मेरे को वापस से ऐसे करके फटाफट से 2 ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे, एंड इस वाले इसको ऐसे पॉइंट करते हुए मेरे को इसे आराम से तोड़ना है। नाइस अंकल जाओ, ओ नाइस अंकल आ गए, अब बस सिर्फ एक धक्के की बात है अंकल चले जाएंगे। नाइस, एंड अब आई डोंट थिंक सो कि अंकल निकल सकते हैं यहाँ से। या अंकल अब यहाँ से निकल नहीं सकते, एंड अब मेरे को इसे तोड़ के 1 रेल लगानी पड़ेगी इधर पे। ओके ठीक है, अब अगले विलेजर की बारी। गाइस ऐसे ही करते करते ना मैं सब में सारे, मतलब सारे तो नहीं मैं डाल पाऊंगा, इस रो में देखो गाइस इतने सारे रेल्स हुई है, तो मैं इस रो को मैं पूरा भर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि जब तक भाई ये विलेजर्स बड़े होते तब तक फिर मैं इनके साथ थोड़ी सी मेंडिंग की बुक के लिए माथा फोड़ी कर लूँ। चलो भाई मेंडिंग निकालो, कौन लिंक हो रहा इधर, तो कोई नहीं लिंक हो रहा। भाई लाइब्रेरियन कौन बन गया,
दोनों में से लाइब्रेरियन कौन बन गया? नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लिंक हो जाओ भाई। कौन लिंक हो रहा है भाई? कौन सा विलेजर लिंक हो रहा है भाई लाइब्रेरियन? भाई लिंक हो जा, तू हो जा। आई थिंक सो कि मेरे को यहाँ पे 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, तभी जा करके लिंक होंगे। गाइस कुछ तो है भाई जो इससे लिंक हो रहा है, क्योंकि भाई मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे रखा एक बैरल सबसे पहले, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लेक्टन रखा, तो फिर ये बन गया लाइब्रेरियन। इट मीन्स कि आसपास कुछ ना कुछ तो है, जो कि मेरे को बाद में फाउंड आउट करके उसे मारना पड़ेगा। अभी फिलहाल यार इसके साथ माथा फोड़ी करते मेंडिंग के लिए। कौन सी बुक दे रहा है? लूटिंग 3 मेरे को चाहिए। आई नीड लूटिंग 3। पहली बार में लूटिंग 3। नाइस। मेरे पास आई थिंक सो कि घर पे थोड़ा सा पेपर पड़ा हुआ है। किस चेस्ट में था? बुक्स वाले चेस्ट में था आई थिंक सो। ये रहा, मैंने इधर से पहली बुक्स निकाल ली है, एंड इधर थोड़ा सा शुगर केन भी है, इसे भी निकाल लेते। इस बार भी मैं गलती नहीं करूँगा, इस बार मैं पेपर ही लूँगा। ये देखो पेपर, ये ले लिया अपन ने पेपर। चलते हैं उसकी ट्रेड लॉक कर लेते, ताकि भाई फिर बाद में अपने को मगजमारी ना हो। लूटिंग 3 दे रहे हो अंकल, नाइस। ये पता नहीं 64 का क्या दे रहा है, जो भी देगा अच्छा ही देगा ना। नाइस, तो अभी इसकी हो चुकी है ट्रेड लॉक। गाइस काफ़ी देर तोड़ने के बाद ये अपने को ब्लास्ट प्रोटेक्शन 2 दे रहा है, जिसकी कि अपने को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सॉइल चेंज अब क्या दे रहा है? एको एफिशिएंसी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे पता नहीं नीचे से मेरे को काफ़ी सारे मॉब्स की आवाज़ आ रही है, पता नहीं मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि अब मेरे को यहाँ से नीचे जाना चाहिए, और भाई रिस्की काफ़ी ज़्यादा हो सकता है नीचे। भाई उनकी लड़ाई हो रही है अभी, तो गाइस आप लोगों को पता नहीं गेम साउंड नहीं आ रही होगी शायद से। एंड भाई मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मैंने सिर्फ इस लूटिंग वाले विलेजर को ही किया, एंड बाकी सारे विलेजर्स पता नहीं गाइस ये देखो जॉब ही नहीं ले रहे। मैं आपको देख के दिखाता हूँ किधर गई अपनी लैंटन। ये देखो मैंने इसे लैंटन दी, पार्टिकल्स है ना, इसने जॉब ली। अरे भाई ओके भाई, ओ ये अपने बेस का मैप है ना, इसी से रखते हैं। सो गाइस देखा आपने, पार्टिकल्स आए ना, इधर किसी ने जॉब नहीं ना उधर किसी ने जॉब ली। इट मीन्स कि कुछ तो प्रॉब्लम है। खैर अभी मेरा बिल्कुल ही मूड नहीं कर रहा है इस प्रॉब्लम को सही करने का, एंड जाते जाते अभी मैं आप लोगों से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करके जाऊँगा। यस, जो कि जितने लोगों को याद होगा उन्हें तो पता होगा कि अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ऑब्सीडियन से नेदर। अरे मैया तू क्या देख लियो वे, चल जा। हाँ नाइस, चलो लेट्स गो टू द नेदर। मेरा गेम अटक गया बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, एंड अपना गेम अटक चुका है। ओ नहीं नहीं नहीं, आ गया भाई, मैं नेदर आ गया। ओ भाई क्या सही स्पॉन है भाई अपना। अबे नहीं, कास्ट पोर्टल नहीं। ओके गास्ट हो चुका, लैग मेरा भी गेम हो रहा है लैग। मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का नेदर। फोर्ट्रेस भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फोर्ट्रेस भाई, फोर्ट्रेस मिल गई, अब अपने को और कुछ नहीं चाहिए। गाइज आपने देख ही लिया स्पॉन पे भाई साहब फोर्ट्रेस। भाई कितना कूल है भाई स्पॉन पे फोर्ट्रेस, लेट्स गो गाइज। सो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हाँ जाते जाते डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना अगर SMP में खेलना है तो। एंड जा ही रहे हो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तब भी कर देना। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।